हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि जो रिटेल आप करते हैं, रिटेल बिलिंग करते हैं, उसमें आप चाहते हैं कि डिस्काउंट आए और होलसेल जब आप बिलिंग करें तो उसमें डिस्काउंट ना आए, तो ये सेटिंग कैसे इनेबल करनी है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारी आती रहती है। पेड सर्विसेज लेनी है या कस्टमाइजेशन कराना है या सॉफ्टवेयर बाय करना है तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि इसमें पहले से ही रिटेल होलसेल है, अगर कैसे इसे इनेबल करते हैं तो इसकी वीडियो आप हमारी देख सकते हैं, पहले से हमने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक रिटेल है और एक यहाँ पे होलसेल है। अब मेरी डिमांड ये है कि जैसे ही मैं रिटेल बिल करूँ तो यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन आना चाहिए, जो आप यहाँ पे देख पाते हैं रेट के बाद जो डिस्काउंट आता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन आना चाहिए। और जो अगर हम होलसेल करें, जैसे कि अब मैं होलसेल करता हूँ, तो होलसेल में डिस्काउंट का ऑप्शन बंद रहे, यानी कि अभी जैसा ये होलसेल चल रहा है ऐसे कैसी रहे, पर जैसे ही हम डिस्काउंट को इनेबल करें तो वो होलसेल में नहीं आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको मास्टर के मेनू में जाना है और उसके बाद मार्क सेटअप, और मार्क सेटअप के बाद कंट्रोल रूम पे आपको क्लिक करना है। सर्च इन ऑल पे एंटर करके टाइप करेंगे आइटम डिस्काउंट, और उसके बाद एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करें। और यहाँ पे जो हमने दूसरे नंबर पे इसको यस किया है, ये मैंने जो है आपको दिखाने के लिए किया है कि अगर आप दोनों जगह पे यस करते हैं तो रिटेल में भी आएगा और होलसेल में भी आएगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि रिटेल में ऑप्शन आए डिस्काउंट का और होलसेल में ना आए, तो जो सबसे पहले वाला पोर्शन है यहाँ पे देख पा रहे हैं आइटम डिस्काउंट ऑन परचेज रिटेल ऐसे लिखा हुआ है इस पर, बट आपको इसको क्या करना है, इसे नो करना है। जैसे ही आप इसे नो रखेंगे और दूसरे वाले को जो हमने यस किया है इसे यस रखना है, और उसके बाद स्केप स्केप करके इसे हम यस करेंगे। और अब हम चेक करते हैं, पहले रिटेल बिल करते हैं। तो देखिए दोस्तों रिटेल बिल में हमारा डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है, और अब हम यहाँ पे होलसेल बिल करते हैं, होलसेल बिल में जाके, और होलसेल बिल में हमारा कोई डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब इसी तरीके से दोस्तों आप चाहें तो इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, कि हम रिटेल में चाहते हैं कि कोई डिस्काउंट का ऑप्शन ना आए और होलसेल में चाहते हैं डिस्काउंट का ऑप्शन आए। तो सेम आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, आपको जाना है कंट्रोल रूम पे और सर्च इन ऑल पे एंटर करेंगे आइटम डिस्काउंट, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करें। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो तीसरे वाला ऑप्शन है, अब इसका अपोजिट आप चाहते हैं कि होलसेल में डिस्काउंट का ऑप्शन आए पर रिटेल में ना आए, तो पहले वाले को आप यस रखें और जो तीसरे वाला ऑप्शन है इसको नो कर दें। अब हम इसको स्केप स्केप करके यस करते हैं, और अब चेक करते हैं हम कि रिटेल बिल हम कर रहे हैं, तो रिटेल बिल जैसे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई ऑप्शन डिस्काउंट का नहीं आ रहा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद अगर हम होलसेल करते हैं तो होलसेल में हम जाते हैं तो होलसेल में डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बिजनेस में दोनों तरीके से काम होते हैं, किसी बिजनेस में रिटेल में डिस्काउंट देना होता है, होलसेल में नहीं देना होता, और किसी बिजनेस में होलसेल में डिस्काउंट देना होता है, रिटेल में नहीं देना होता, सारा कुछ MRP वाइज चलता है। तो दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको इसमें बताए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वाले को ऑन रखेंगे तो होलसेल में आएगा, और पहले वाले को ऑफ रखेंगे, दूसरे वाले को ऑन रखेंगे तो रिटेल में आएगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं पर कुछ चीज़ आपके समझ में ना आ रही हो तो बैक वीडियो जाके आप देख सकते हैं फिर से कि क्या मैंने इनेबल किया है, क्या डिसेबल किया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे जो है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। और सॉफ्टवेयर कस्टमाइज कराना है या बाय करना है सॉफ्टवेयर, या पेड सर्विस लेनी है, तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।